हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाला यामा एस जेड वर्जन 2। मेरा पास बाइक आ चुका, इसका बहुत ही ज़्यादा इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम। ये जो गाड़ी देख पा रहे हैं ना, इस गाड़ी का कस्टमर है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है इंजन हीटिंग का लेके। ये जो कस्टमर है ना, इस गाड़ी का 2 से 4 गैरेज पे भी देखा है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। कम से कम इसका बोला, सबसे पहले गया था या सबसे पहले गैरेज पे दिखाया, उसमें एयर फिल्टर क्लीन किया, उस कार्बोरेटर क्लीन किया, इसका सब कुछ थोड़ा बहुत ऐसे करके देखा, फिर भी इसका प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। ऐसे करके 2 से 3 गैरेज पे भी लेके गया, इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। उसके बाद लास्ट में एक गैरेज पे लेके गया, लेके जाने के बाद उसने क्या किया, उसका इंजन ऑयल भी चेंज करके दिया। कितना का ढाला था, 20W40 का ग्रेड ढाला था ऑयल। ढालने के बाद में भी उसने क्या किया, उसका एयर सेक्शन वाल्व भी चेक किया, इसके इंजन ऑयल ऊपर हेड में आ रहा है क्या नहीं है वो भी चेक किया, इसका एयर फिल्टर भी क्लीन किया, फिर भी इसको क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्व उसमें नहीं आया। कम से कम इसने इंजन ऑयल ढाल मल के कम से कम 900 से 1000 रुपये तक उसने लिया, फिर भी इसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। 2 दिन के बाद भी फिर जैसा प्रॉब्लम इंजन हीटिंग का, उसी तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट। उसने क्या क्या बाद में बोला, ठीक है एक काम करो तुम शोरूम पर लेके जाओ। शोरूम पर लेके जाने के बाद भी एक कस्टमर उसका क्या 2 से 3 शोरूम पे भी लेके गया था। जो सबसे पहले क्या किया था इसने कस्टमर में 2 से 4 गैरेज पे लेके गया, फिर भी प्रॉब्लम जब सॉल्व नहीं हुआ था। बाद में इसने क्या किया, जो शोरूम पे लेके गया, शोरूम पे लेके जाने के बाद भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। कम से कम ये जो शोरूम वाला बोला इसका इंजन ऑयल ढालना पड़ेगा, शोरूम वाला ने क्या किया, इसका इंजन ऑयल बोला कितना का ढाला था, उसने बोला पता नहीं कितना का ढाला था, उसने फोटो खींच के रखा था, उसने 20W40 ग्रेड का ढाला था, बोला नहीं ये ऑयल चेंज करना पड़ेगा। उसने क्या किया, इंजन ऑयल भी चेंज करके दिया, उसने कितना का ढाला था, 10W30 का जो ग्रेड है वो ऑयल ढाला था। ढालने के बाद भी बोला इसका एयर फिल्टर क्लीन करना पड़ेगा, उसने एयर फिल्टर क्लीन किया, उसका कार्बोरेटर क्लीन किया, उसका जो एयर सेक्शन वाल्व वो भी चेक किया, इंजन हेड में ऑयल आ रखा वो भी चेक किया। करने के बाद वो छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद में भी इस तरीके से दूसरा दिन इसी तरह के प्रॉब्लम हुआ। बोला नहीं ये गाड़ी ऐसे चलाओ, इतना हीट होता है, लेकिन इतना हीट हो रहा है पूछो मत। उसने क्या क्या छोड़ के फिर दूसरा एक शोरूम पे गया था। शोरूम पे लेके जाने के बाद भी बोला ठीक है इसका ये काम करो, मैं पूरा इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। इसका क्लास प्लेट बोल रहा है ख़राब हो गया, ठीक है क्लास प्लेट के वजह से इसका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसने क्या किया, बोला 1700 रुपये लगाया, उसने 1700 रुपये लगाया। लगाने के बाद में भी इसका 1700 रुपये लगाया, इसके इंजन ऑयल भी चेंज किया, बोले इसका क्लास प्लेट फेंक दिया बोल के, बोले अगर क्लास प्लेट फेंक दिया फिर उसको इंजन ऑयल भी ढालना पड़ेगा। 1700 रुपये पूरा असेंबली ढाला था, क्लास प्लेट प्रेशर प्लेट उसका असेंबली ढाल के 1700 रुपये लिया था, इंजन ऑयल का लिया था 395 रुपये, 395 रुपीज़ लिया था। लेने के बाद उसको छोड़ के दिया, मतलब अभी तक ये इस कस्टमर ने 4 से 4500 रुपये तक अभी तक खर्च किया, लेकिन इंजन हीटिंग का जो प्रॉब्लम है ना अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया। उसने क्या किया, एंड में मेरे पास आया, आने के बाद मेरा वीडियो देख के मेरे पास आया, आने के बाद बोल रहा है भाई मेरा जो मेरा जो बाइक है ना बहुत ही ज़्यादा इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, किस कम से कम 2-3 शोरूम पर भी दिखाया, 2-4 गैरेज पर भी दिखाया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है मैं आज क्या कर रहा डिटेल के साथ में बता दे रहे, इसी तरीके से अगर वीडियो अगर चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं किसी भी बाइक का। चलिए मैं फिर अभी आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखा देता हूँ जो प्रॉब्लम आज किस जगह पे है, कहाँ पे है, क्योंकि अभी तक इसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाया। मैं अब आपको देखा दे रहे प्रॉब्लम कहाँ पर और किस जगह पर, चलिए वीडियो आगे देखते रहे। चलिए फ्रेंड, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसका राइट साइड के पैनल, इसका लेफ्ट साइड के पैनल, इसका सीट में ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आगे का प्रोसेस एक एक स्टेप बाय स्टेप चेक करके देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो अगर फुल इसी तरीके से अगर वीडियो मैं अगर फुल डिटेल्स के साथ बताने वाला, क्योंकि इसी तरह के प्रॉब्लम अगर आपका पास कोई भी बाइक आया, BS6 का बोलो, BS4 बोलो, BS3 का बोलो, यामा का जितना भी गाड़ी है और अदर्स गाड़ी का, मैं स्कूटर का भी गाड़ी के बारे में बता रहा हूँ, अगर उसी तरह की गाड़ी अगर आपका पास आया 100% आप प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकता। चलिए मैं सबसे पहले पैनल, राइट साइड पैनल, लेफ्ट साइड पैनल, सीट ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ।